साल 2018 कई मायनों में खास होने वाला है। सभी सुपरस्टार्स अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहे हैं। आमिर खान, शाहरुख से लेकर सलमान खान और अक्षय कुमार, सभी अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्मों के साथ 2018 में आ रहे हैं। शायद इसीलिए सभी ने साल के सबसे महत्वपूर्ण डेट्स को लॉक भी कर लिया है। दिवाली आमिर के नाम तो क्रिसमस शाहरुख, ईद सलमान के नाम तो 26 जनवरी अक्षय कुमार। लिहाजा अब आने वाली फिल्मों के लिए कोई बड़ी तारीख नहीं बची रह गई है, और इसी वजह से अब कई बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश की बात सामने आ रही है। इस क्लैश से कोई सुपरस्टार नहीं बच सका, ना तो सलमान बच सके, ना अक्षय कुमार और ना ही अजय देवगन। रेस 3 VS फन्ने खान। सलमान खान की रेस 3 और ऐश्वर्या राय बच्चन अनिल कपूर की फन्ने खानी 2018 को रिलीज हो रही है। बागी 2 VS मणिकर्णिका। टाइगर श्रॉफ की बागी और कंगना रनौत की मणिकर्णिका 27 अप्रैल 2018 को रिलीज हो रही है। शाहरुख खान की फिल्म VS केदारनाथ आनंद एल राय के निर्देशन में बन रही शाहरुख खान की फिल्म और सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत की केदारनाथ, दोनों फिल्में क्रिसमस 2018 को रिलीज होगी। पैडमैन VS 2.0, दोनों फिल्में अक्षय कुमार की हैं। पैडमैन की रिलीज 26 जनवरी फाइनल की गई है। वहीं 2.0 के पोस्टपोन होने पर अभी तक विचार चल रहा है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान VS टोटल धमाल। आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और अनिल कपूर माधुरी दीक्षित स्टारर टोटल धमाल, दोनों फिल्में दिवाली 2018 रिलीज हो सकती हैं। अजय देवगन की फिल्म VS जंगली। विद्युत जामवाल की फिल्म जंगली अगले साल दशहरा यानी 19 अक्टूबर 2018 को रिलीज हो रही है, और दशहरा को ही अजय देवगन तबू की अगली फिल्म भी रिलीज हो रही है, जिसका निर्देशक कर रहे हैं आकी वाली। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी।